मेरा नाम नीतू सिंह है, मेरी शैक्षिक योग्यता है मैं ज्योग्राफी बी एड प्लस बी टी सी। मेरा 11 साल का शैक्षिक अनुभव है। मेरे ज़िले का नाम मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ विंध्य धाम काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पहाड़ियाँ भी घूमने का स्थल है और छोटे छोटे डैम भी हैं जो काफ़ी दर्शनीय हैं, जहाँ लोग जा सकते हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय उमरिया है। मेरे विद्यालय में 146 बच्चे नामांकित हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो बच्चों के नामांकन काफ़ी कम थे, बच्चे विद्यालय भी उपस्थिति भी काफ़ी कम थी। बच्चे 30-35% ही उपस्थित होते थे। बच्चे उपस्थित भी होते थे तो उन्हें ठहराव नहीं था, वो चले जाते थे। तो इतनी सारी समस्याएं थी, इसके लिए मैं घर घर जाना, लोगों से संपर्क करना और सुविधाओं से उनको अवगत कराना, विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है उसको सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयास किया, जिससे धीरे धीरे बच्चों में नामांकन भी बढ़ गया, जो 150 तक पहुंच गया और बच्चों का ठहराव भी 60-70% के पास पहुंच गया, उपस्थिति भी बढ़ गई और अभिभावक का सहयोग भी प्राप्त होने लगा। जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे नवाचार हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम पठन पाठन की प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं, बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न तरीकों से पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे मैं बच्चों को गतिविधियों के द्वारा उनके सीखने के स्तर को बढ़ा सकूं। मेरा विद्यालय रोल मॉडल तो अभी नहीं बन पाया है, पर उस प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल बने ताकि बच्चे अधिकाधिक आएँ और एक अस्वस्थ वातावरण उन्हें प्राप्त हो, जहाँ वो खुशी पाठ्यक्रम को ग्रहण कर सके और बहुत कुछ सीख सके, उनमें नैतिकता का भी विकास हो सके। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ।